आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर। कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसा? बोलिए। सीधी साधी लड़की को भी नहीं संभाल पाए आप लोग, घर से भागी कैसे वो? मान लीजिए कि आपकी लापरवाही थी, वो तो किस्मत अच्छी थी कि पंडित जी का फोन आ गया था मेरे पास और मुझे पता चल गया कि पारमिता वहीं पर गई थी। वक्त रहते मैंने हालात संभाल लिया, वरना देव, अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और ये बता यहाँ के हाल क्या है, मतलब बच्चा कैसा है? पता नहीं, हाँ पर बच्चे की डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। अब याद रखना आप लोग, ये काम किसी भी कीमत पे हो जाना चाहिए। पारमिता को लेबर रूम में लेके जा रहे हैं। अब आप लोग जाइए और जब तक मैं आप लोगों से कांटेक्ट ना करूं, आप लोग यहाँ पे मत आना। पारमिता अगर किसी पे विश्वास करती है तो वो मैं हूं, सिर्फ मुझ पे। मातंगी माँ है, ऐसा माना गया है कि इन्होंने अभी किसी शिशु को जन्म दिया है। हर गर्भवती महिला की ये रक्षा करती है। इनका स्मरण करने से गर्भकाल या शिशु के जन्म के समय कोई परेशानी नहीं होती और बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। इनकी कृपा से बच्चा कभी गर्भ में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मेरी होने वाली बच्ची की रक्षा करो, मैं आशा में हूँ, केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हो। Thank you.
आपकी अमानत। नौ महीने का मेहनत का फल आखिर मिल ही गया हमें। अब इस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। बड़ अमावस्या में सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। इस बच्चे की अहमियत तुमसे ज्यादा समझती हूं मैं। हम इस बच्चे को संभाल लेंगे। तुम पारोमिता के बारे में सोचो, तुम उसे क्या समझाओगे? एक रास्ता है मेरे पास, और डॉक्टर भी पारोमिता को वही कहेगा जो मैं उसे समझाऊंगा। आप लोग बच्चे को लेके निकले। पारो के होश में आने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। चाहिए बाबा के साथ रहना जरूरी है। अलसी टू इट के कल शाम होते ही सबसे पहले मैं उसे उसके मायके जाने का अरेंजमेंट कर दूंगा। पर उसे अकेले भेजकर, मेरा मतलब अगर इस मौके का फायदा उठा के वो पुलिस के पास पहुंच गई तो? नहीं मां, पारोमिता ऐसा नहीं करेगी। और अगर वो ऐसा करती है तो सबसे पहले मुझे आके इन्फॉर्म करेगी। वो क्या कहते हैं, आदर्श भारतीय नारी अपने पति के खिलाफ नहीं जाएगी।
पारो ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और घर पहुंचते ही मुझे फोन करना। पारो जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ तुम नहीं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम्हें अकेले भेज रहा हूँ। एक बार अपने माँ और बाबा को उनके किए की सजा दिलवा दो, उन्हें जेल भिजवा दो, फिर मैं सबसे पहले तुम्हें लेने आऊंगा और हम दोनों मिलके एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। संभल के जान भैया, संभाल के लेके जान। वो भैया मेरे पति अपना पर्स छोड़कर चले गए, आप जाइए ना, मैं दूसरी टैक्सी ले लूंगी। तुमने बिल्कुल सही सोचा है बेटा, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है और अगले दो दिन में कुछ होगा भी नहीं। ठीक दो दिन बाद बड़ा अमावस है, एक दो दिन में हमें तुम्हारे बच्चे को ढूंढना ही होगा, पता लगाना होगा कि उन लोगों ने आके तुम्हारे बच्चे को रखा कहाँ। लेकिन पंडित जी, मैं अकेले कैसे पता लगाऊंगी, वो लोग तो मुझे देखते ही बंदी बना लेंगे। तुम अकेली नहीं हो बेटा, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखना, माँ कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। जय माँ काली। जय माँ काली। माशी माँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब क्या हो रहा है। माँ पापा ये सब क्या कर रहे हैं, बौद्धि कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। माशी माँ ये सब क्या हो रहा है। इतना सब कुछ हो गया और उन्हें पता तक नहीं चला, और सबसे बड़ी बात है कि ये सब माँ बाबा ने किया। कितनी इज्जत करते थे हम लोग। माशिमा, बोधी कहाँ है? वो अकेली होगी, हमें उनसे मिलना है, शायद हम उनकी कुछ मदद कर सके। पारो काली माता के मंदिर के पंडित जी के घर में है, तुम लोग उनसे जाके मिलो और ये पता लगाओ कि दीदी और जीजा जी ने बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा है, और हमें बच्चे को हर हालत में बचाना होगा। जगह देख लिया पर बच्चा कहीं नहीं है, ऊपर नीचे कहीं नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने बच्चे को छिपाया कहाँ है। सुना सुना, रूपा कहाँ है? पता नहीं, वो आज काम पे नहीं आई। मुझे मुझे पूरा यकीन है कि बच्चा उसी के पास है। सुना, हमें किसी भी तरह रूपा को ढूंढना होगा। कल बड़ा वापस से अगर उन्होंने मेरे बच्चे को छोड़ा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। दीदी आप चिंता मत करो कि जो हो बिना कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। अगर कल तक हमें बच्चा नहीं मिला तो हम दूसरी तरकीब अपनाएंगे। चलिए मैं आपको पंडित जी के घर तक पहुंचाती हूँ। Thank you.
चिंता मत कीजिए बाबा, सब कुछ ठीक ही होगा। हेलो, व्हाट? वाशिमा भाग गई। फोन दो मुझे। सारिका कैसे भाग गई? पता नहीं, कहा था नजर रखना उस पर। कल रात के खाने में भी हमने नींद की दवा दी थी, लेकिन जब जब सूरज देखा तो वो अपने कमरे में नहीं थी। ढूंढो उसे। जी। पता नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं बाहर हो भी? देखो, देखो जरा तो पता कर, वो मायके पहुंची या नहीं, जल्दी। मैं दीपांकर बोल रहा हूँ कोलकाता से। दीपांकर बेटा कैसे हो? और हमारी बेटी पारो कैसी है? हाँ ठीक है। मैं कह रहा था कि अगर पारो को कुछ दिनों के लिए आपके पास भेज दूँ तो। जी हाँ, तो ठीक है, मैं सारा इंतजाम करके आपको कॉल बैक करता हूँ। जी आपका शक सही था माँ, पारो वहाँ पर नहीं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं चेक करके आता हूँ कि बच्चा कहाँ है। हेलो हेलो पंडित जी, मैं सोनाली। दादा बच्चे को देखने जा रहे हैं और यही सही वक्त है जब हमें पता लगेगा कि बच्चा। गोदी को बता दीजिए और उन्हें कहना कि सावधान रहे। परेशान क्यों लग रहा है? मैं बस यही देखने आया था कि बच्चा सही सलामत है या नहीं। कहाँ है वो? लाती हूँ। कैसे हो पारो? बहुत जल्दी मायके से लौट आई हो। यहाँ तक आ ही गई हो तो अपने बेटे से नहीं मिलोगी? बहुत चालाकी कर। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? वो दी अभी तक नहीं आई, हमें उन्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम सही कह रही हो दीदी। अगर तब तक बच्चा नहीं मिला तो अब हम क्या करेंगे? हम मोदी को कैसे ढूंढेंगे?
हमें पारुलता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम पुलिस को खबर करेंगे और पुलिस को लेकर सीधे शमशान पहुंचते हैं। जय माँ काली, हमारी सहायता करना। मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज। तुम तो इसके बाप हो दीपू, तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो? दीपू मुझे मेरा बच्चा दे दो, मैं इस बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। आखिर मेरे बच्चे ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? सवार नहीं आया है ये लोग इस दुनिया में रहकर अपनों की जिंदगी संवारते हैं, और ये इस दुनिया से जाकर हमारी जिंदगी संवारेगा। वैसे तुमने निर्दयी कहा हमें, कहो कैसे निर्दयी है हम? तुम्हारी बेटे से तुम्हें मिलने तो दे रहे ना, हाँ? कर लो जी भर कर प्यार, कहीं बाद में ये ना कहना पड़े कि अपने बेटे को जी भर कर देख भी ना पाए। जतानी है जता लो। दीपू, दीपू तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ये सब अंधविश्वास में कैसे यकीन करते हो? एक बार इस बच्चे की तरफ देखो, कितना मासूम है ये बच्चा। मैं वादा करती हूँ, मैं इस बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। दीपू प्लीज समझने की कोशिश करो पारा, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी सोचा है मुझे मेरी फिल्म का साइनिंग अमाउंट मिलना, 2 साल से जो फिल्म बंद पड़ी थी उसका अचानक रिलीज होना, ये सब कैसे हुआ? इस बच्चे के आने के संकल्प ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तरक्की नाम शौहरत सब कुछ मिला है मुझे। सोचो, पागल हो गई हो तुम, पागल। सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो सकती है। अरे मुझे अपने आप पर नफरत हो रही है कि मैंने तुम्हें अपनाया है, तुमसे शादी किया है। तुम नहीं समझोगी दीपू, लेकिन मैं जानती हूँ अपने बच्चे से जुदा होने का दर्द क्या होता है। अरे माँ हूँ मैं इसकी, मैंने पाला है इस बच्चे को अपनी कोख में। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। नहीं दीपू, दीपू प्लीज तुम मुझे मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। मैं तो छोड़ सकता हूँ पारो, पर अपना फ्यूचर, अपना करियर, ये सब मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। नहीं, बांध के भी जाऊंगी।
को। प्रभाथना तो कुछ नहीं कर पाएगी। छोड़ दो मुझे। सिबु छोड़ दो मुझे। मेरी मदद करो मत। और साधना करने से काली शक्तियों का विनाश होता है। इनका स्मरण करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। ये त्रिपुर भैरव है। इनका स्मरण करने से अंतरात्मा का भय समाप्त हो जाता है और शत्रु में भय का संचार होता है। भागने की कोशिश की तो जान से मार दी जाओगे।